हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, IBPS PO का नोटिफिकेशन जो है वो कल आ चुका है, 31 जुलाई को। तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। वैकेंसी जो है इस बार शॉकिंगली बहुत ज़्यादा कम है, 3049, जो लास्ट ईयर को कंपेयर किया तो हाफ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि लास्ट टाइम अप्रोक्सीमेटली 7000 वैकेंसीज IBPS ने रिलीज़ किए थे। उसके बाद जो है एग्ज़ाम्स है वो है 23 सेप्टेम्बर से शुरू होने वाले हैं IBPS PO के। तो लेट्स सी कि देखो, अभी बहुत ज़्यादा बच्चों को ये है कि ये वैकेंसी जो है वो इतनी रहेगी या इससे ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो अगर हम कंपेयर किया लास्ट ईयर से, तो मेरे ख्याल से तो IBPS PO की वैकेंसी जो है वो शायद बढ़ सकती है। चलो देखते हैं। तो हर साल IBPS के 11 बैंक्स पार्टिसिपेंट होते हैं। इस बार सिर्फ 5 बैंक ने जो है IBPS को नोटिफाई किया है रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन। तो ओनली 5 बैंक्स के वैकेंसीज जो है वो IBPS ने रिलीज़ किए हैं, जिसका अप्रोक्सीमेट हो जाता है 3050 वैकेंसीज। तो एक्चुअली लास्ट ईयर को कंपेयर किया तो ये बहुत ही कम है। देखो, एक्चुअली लास्ट ईयर हम देखें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे 2095 वैकेंसीज थे, और यूको बैंक के 500 वैकेंसीज थे यूको बैंक के। तो बेसिकली यहाँ से 2600 वैकेंसीज जो है ये दो बैंक से ही आए थे। तो इस बार इन दोनों ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है रिगार्डिंग उनके वैकेंसीज। तो शायद पॉसिबिलिटी कि ये दोनों में से कोई ना कोई डेफिनेटली बोलेगा वैकेंसी, और एक शायद 15 to 1 month तक आपकी वैकेंसी जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है, 15 days to 1 month तक। उसके बाद और एक जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के इस टाइम 2000 वैकेंसी जो है, लास्ट ईयर ज़ीरो थी। उसके बाद कैनरा बैंक की एक्चुअली लास्ट ईयर 2000 थी, इस टाइम सिर्फ 500 है। तो मैं बोल रही हूँ शायद 1 month में आपकी वैकेंसी जो है वो बढ़ सकते हैं। तो डोंट वरी, आपका अभी जो नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो डेट है 1st to 21st, आप फॉर्म फिल कर दीजिए, आपकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। डेफिनेटली आपकी वैकेंसीज जो है वो बढ़ जाएंगे। आपके एग्जाम जो है 23 सितंबर से शुरू होने वाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल।